अभी अभी हम आ रहे हैं शॉप प्लस वॉक करके, एंड आगने को मैं लेके गई थी कि चलो ये थोड़ा फास्ट साइकिल चलाएगा तो मेरी, मैं भी साथ वॉक अच्छे से कर लूँगी, और मुझे सामान भी लेना था, सोचा कि वो लास्ट राउंड में हम सामान ले लेंगे। पर इसने मुझे इतना धुआं दिया ना, ये ना हर कहीं पार्किंग में जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा है। दाल भी मैंने चढ़ा दी है, दूध उबाल दिया है, बर्तन मैं सारा अभी करके आ चुकी हूँ। आग में अभी वॉशरूम में है, तो मतलब आज इसकी क्लास में काफ़ी टाइम बचा हुआ था, मैं पहले इसको थोड़ा सा वर्क कराऊंगी, क्योंकि कल इसका होमवर्क मैंने नहीं कराया था तो आज कराया जाएगा। एंड ये देखो वो जो टॉयज थे वो यहाँ उठ के आ चुके हैं। मुझे लगा था काफ़ी टाइम बचा हुआ है, अभी मैंने सारे काम निपटाए किचन के भी सब कुछ, मुझे लगा काफ़ी टाइम है अभी, अभी पता नहीं लगा काम करते करते ना 8:30 हो चुके हैं, और आदमी की जो क्लास है वो अभी बस लग 9:00 स्टार्ट हो जाती है, और आदमी भी बैठा है टप में, मतलब कि टाइम तो बहुत है, लेकिन मैंने सोचा था मैं कुछ और भी कर लूँगी, थोड़ा सा पढ़ा लूँगी थोड़ा सा, तो वो नहीं हो पाएगा अब। एंड मैं आदमी को फटाफट टप में से उठा के और खुद नहला के अब इसको क्लास के लिए रेडी कर, फोन रख दो। हाँ, झाड़ू भी लेकर आ गया, पता नहीं कौन सी कार निकालनी होगी इसने, क्या करना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो फंस गई तो आप इसे लड़ाई करोगे ना, थोड़ी ना शुरू करते हैं, बोलते हैं मम्मा आ जाओ ये नहीं निकल रही है, मैं आप निकाल दो, ऐसे बोलते हैं। कितनी तेज हवा चल रही है इस टाइम, और बारिश का जो मौसम अच्छे से बनने लग गया। अच्छा हुआ पहले वाले कपड़े सूख के जल्दी से मैंने अंदर कर दिए हैं। किसने रखा है कॉपीकैट नाम इसका? मैं निकालती हूँ, रुक जा, अगर इसका डोर टूटा ना तो देखना फिर जल्दी बात करते हैं। मत डाला करो इसके अंदर इसको, तो नब्बू कौन है इसमें से? ये गाड़ी नब्बू और सामर्थ कौन है? गाड़ी नब्बू है। सामर्थ कौन सी गाड़ी है? सामर्थ की ग्रे कार है। ग्रे कार है, अच्छा। और खेलते कैसे हो आप उससे? और ये रेड कार मेरी है, डुगू बेबी की कार है। अच्छा डुगू बेबी है, बाकी नब्बू और सामर्थ जो है वो बिग बिग है। मैं सोच रही हूँ फ्रेंड है जो मैं उनको चैट करती हूँ, क्योंकि चैट क्या करती हूँ, कुछ उन्होंने मेरे से पूछा था, और मैंने ना उनको सच बताऊँ तो उस दिन कहीं मैं ऐसे ही बिजी थी तो मैंने नहीं ज़्यादा देर तक मैं बात नहीं कर पाई। यहाँ भी देखो कैसा अंधेरा हो रहा है, और आई फील सो गुड आफ्टर सो मैनी डेज, मतलब डेज मंथ्स ईयर्स उसके बाद मैं ये वाली टी शर्ट डाल पा रही हूँ। एंड सो खोल देते हैं, ये पर्दे बाहर को निकल गए हवा से, पकड़ने पड़ेंगे। तो बड़े दिनों बाद ना उनके साथ थोड़ी सी चैट करती, कुछ पूछा था वो आंसर्स देती हूँ पहले, नहीं तो सोचेंगे हमेशा कोई बात करते करते मैं यहाँ वहाँ गायब हो जाती हूँ। पंजाब में जो स्कूल्स हैं उनको अब खुलने लगे हैं बच्चों के लिए, मतलब छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी। आगने के स्कूल से भी आया है हमें कि स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। वुड यू लाइक टू सेंड योर बेबीज, लाइक छोटे छोटे बच्चा टू स्कूल? तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं चाहती थी एक्चुअली उसको भेजना, बट उसके पापा नहीं चाहते अभी, वो बोलते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। एंड आई मैसेज आ रहे हैं उनके, ठीक है कि थर्ड वेव आने वाली है, मतलब सुना है जैसा वैसा कि थर्ड वेव आ रही है, और ऐसे टाइम पे बच्चों को भेजना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो बड़ा मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बच्चे बाहर लेके जाते हैं, लेकिन अपने सामने हम उनकी केयर उस तरीके से करते हैं। मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ या कहीं भी लेके जाती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी भीड़ में नहीं लेके जाती या कहीं भी, लेकिन अगर लेके गए भी हैं तो मास्क सैनिटाइज़र वो सब तो हमेशा ध्यान रखा है। स्कूल में तो ऑब्वियस ही बात है कि रखेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूजन में, आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और अभी तक डिसाइड नहीं किया कि करना क्या है। हाँ मौका मिला है अब ना कहीं जाके कि इसको भेज सकते हैं, तो देखते हैं कि हम शाम तक क्या करते हैं, बिकॉज आज तो लास्ट डे ही है और मैं शाम तक का टाइम ना यूज़ कर रही हूँ देखने के लिए कि भेजें या ना भेजें। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे सही भी हैं और गलत भी हैं, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है, जब तक हम फॉर्म नहीं फिलअप कर लेते। पर बाबा मेरे को ना, मैं अपनी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ अभी। नहीं मैं सब खेलने जा रही हूँ। नो मैं सब खेलो। नो खेलो। नो यहाँ मैं चाय बनाने लग गई हूँ और डुगू ने मम्मा बोलना शुरू कर दिया है। इसके लिए वो निकाला था चाय पत्ती निकालनी थी ना, तो उसकी जगह मैंने पता क्या निकाल दिया, मसाला दाने निकाल दिए। मैं ये भी देख सकते हैं।
ये क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं रुको क्यों नहीं आ रहा, मम्मा को नहीं पता कि क्यों नहीं आ रहा ये। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है एक्चुअली, ये बोल रहा है कि आप सो जाओ अपने, वो आगे का फोन नहीं मेरा फोन है, वो भी चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट ऑफ कर दिया। क्या हो रहा है? अच्छा ये दिखा रहा है, अच्छा इसमें बता रहा है कि इसका ना इंटरनेट पैक खत्म हो गया है। इंटरनेट पैक खत्म ना तो, अब आपके बोलने से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा, बोले इंटरनेट पैक खत्म हो तो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब इंटरनेट पैक नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है? चलो नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम। मम्मा नहीं, चलो ठीक है। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब बहुत ठंडी हो जाती है कि फुल स्पीड में किसी ने एसी चला रखा हो, इतनी ज्यादा ठंड है इस टाइम पे। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहे हैं टेम्परेचर के, और डुगू पता है क्या बोल रहे हैं, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझसे लड़ रहे हैं, है ना? और इसको बोला आई एम फीलिंग सो हॉट, शी इज रेडी एंड देखो कर दी अच्छे से आफ्टर वर्कआउट। खाओ पियो वर्कआउट करो, कई लोग सुबह उठ के कहते हैं कि वर्कआउट करना चाहिए या जो भी एक्सरसाइज करनी थी आपको सुबह करनी चाहिए, बट मतलब मेरा अपना वो है कि जिस टाइम आपका मन करे उस टाइम आपको वर्कआउट करना चाहिए। हाँ खाना खाने के बिल्कुल एकदम बाद मत करो, बट एटलीस्ट उसके एक दो घंटे बाद आप कर सकते हो, एंड जब आपका मन करता है ना उस टाइम करके फ़ायदा है, जब नहीं मन करता आप बहुत देर तक कर ही नहीं पाओगे, और अगर एक दिन कर लोगे तो दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। तो बस अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ, डुगू जब सोता है ना उस टाइम मैं चाहूँ तो सो सकती हूँ, बट वो टाइम मैंने ऐसा रखा होता है कई बार, जो मैं अपनी कई बार मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कई बार मैं कुछ और काम करती हूँ, कई बार मैं कोई बुक रीड करती हूँ, तो मतलब जो मेरा मन उस टाइम करता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि आगे पीछे क्या होता है ना, वैसे आग में ऐसा नहीं कि बहुत तंग करेगा करने देगा, बट आप ना उस माइंड के साथ उस काम को नहीं कर सकते उस टाइम। और अभी आग ने भी थोड़ी देर में उठ जाएगा क्योंकि इसको सोए हुए डेढ़ की घंटा तो हो ही चुका है, और बस कभी भी उठ जाएगा ये। और मैं ना मेरी बाजू भी दर्द कर रही है इस टाइम, तो दिखाओ पापा आया पापा के पास, ये रोता ही रहेगा यार, हमेशा हमेशा रोता रहेगा ये। मुझे भी फोन दे, पापा से मांगो फोन, जाओ देखते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं। नहीं मिलेगा बेटा, अभी आपका टाइम नहीं है देखने का, अभी नहीं टाइम है देखने का, नहीं है। तो कितनी देर के लिए दिया आपने इसको? Only 10 minutes. पॉ पेट्रोल देखना है इसने, पेट्रोल मैं डुगू का फॉर्म भरी थी यहाँ पर, बट इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि फॉर्म मैं भर ही नहीं पा रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, तो देखते हैं, बट मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है, और जैसा कि हमें पॉसिबल नहीं लगा ये हुआ भी नहीं। वैसे तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, बट हियर इज़ माय टी। बहुत मन किया मेरा, थोड़ा कुछ काम कर रही थी मैं डॉक्यूमेंट्स वाला, तो इसलिए भी एंड इसलिए भी क्योंकि आगने ने मुझे बहुत तंग किया। देखो अब मम्मा में ना नहीं है, नहीं है पेशेंस, नहीं है बाबा, नहीं है मम्मा में पेशेंस। देखो पीछे चाय चाय, देखो पीछे, देखो चाय मम्मा, फिर पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। हाँ पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, मम्मियों के पीछे पुलिस ही पड़ती है, पापाओं के पीछे नहीं पड़ती, मम्मियों के पीछे भी पड़ जाती है। और ना मैं सच बताऊँ तो डुगू ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर रही थी इसीलिए, और जब ऐसा कुछ होता था मैं कभी नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि उस टाइम ना माओं में ना बहुत कुछ माएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ और ही रूप में आती हैं, है ना? तो बस अभी मैं बस पेशेंस अपनी वो करने के लिए मैं डुगू उसके पापा के पास छोड़ के आई थी कि मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठूँगी, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, बट आग में फिर से बाहर आ चुका है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।